नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश टेक्निकल सेवा डीजाओ से स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज हमारे पास आहूजा का TJD 7000 एम्पलीफायर आया है। इसका आज हमको डिटेल में रिव्यू बताएंगे, इस एम्पलीफायर में क्या चीज़ प्ले कर सकते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं और कैसा क्या एम्पलीफायर होता है, इसकी सारी डिटेल में जानकारी लेते हैं। यह है आहूजा का 700 वाट का एम्पलीफायर होता है। इसका मॉडल नंबर TJD 7000 होता है। मॉडल नंबर के नीचे दो रीसेट के स्विच होते हैं। ये डबल जोन एम्पलीफायर है, चैनल ए और चैनल बी, इसलिए इसको डबल जोन का एम्पलीफायर बोला जाता है। इस एम्पलीफायर में दो रीसेट स्विच होते हैं ए बी। एम्पलीफायर के ओवरलोड होने पे ये दोनों रीसेट स्विच ऑन ऑफ होते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो इसको वापस दबाने पर एम्पलीफायर रीसेट हो जाता है। ये इंडिकेटर दिया हुआ है ओवरलोड का और ऑन का, ये ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है कंपनी में। अब ये चैनल ए और चैनल बी, दो चैनल दे रखे इन्होंने। चैनल ए में ये मास्टर वॉल्यूम दिया है सबसे ऊपर, उसके नीचे ट्रेबल और उसके नीचे बेस का टोन दिया हुआ है। ये लाइट इंडिकेटर साउंड के अकॉर्डिंग ब्लिंक होता रहता है। ये स्पीकर और बेस के लिए होता है। ये स्पीकर बेस में क्या, इसमें स्पीकर में और ये ट्रम्पलेट में, सॉरी, ये ट्रम्पलेट चलाएंगे या यूनिट ड्राइवर चलाएंगे तो उस ऊपर स्विच को करेंगे, और स्पीकर चलाएंगे तो नीचे स्विच को करेंगे। यह बेस का टोन आ गया इधर चैनल बी का, ये ट्रेबल हो गया, ऐसे ये मास्टर हो गया। इसका भी लाइट इंडिकेटर और यूनिट ड्राइवर का और स्पीकर का स्विच दिया हुआ है। अब इसमें 6 माइक का फंक्शन दिया हुआ है, साथ में 6 माइक होता है, 6 माइक भी इसमें साथ में यूज कर सकते हैं। ये 350 प्लस 350 ऐसे 700 वाट होता है टोटल 6 माइक के लिए। इसमें 6 माइक के टोन दिए हुए हैं, माइक 1 2 3 करके आप देख पा रहे होंगे, और ये 6 माइक का 6 पिन लगा के, P38 पिन बोल दो या जेक पिन बोलो, ये इसमें यूज किया जाता है। इधर एम्पलीफायर को पिक करने के लिए काफ़ी मजबूत हैंडल होता है लोहे का। ये स्टीरियो और मोनो एम्पलीफायर को प्ले करने के लिए स्विच होता है ऑन ऑफ, ये चैनल ए का ऑन ऑफ और ये चैनल बी का ऑन ऑफ। अब ये इसमें दो स्विच बचे, ये AUX के लिए होता है, Auxiliary 1 और Auxiliary 2। अपन कोई भी मिक्सर या पीछे मशीन में सॉकेट दिया हुआ है, इसमें मोबाइल से, मिक्सर से या कोई अदर एम्पलीफायर से आवाज़ इसमें इनपुट करना होता है तो AUX का यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए AUX के दो दो स्विच इसमें दे रखे हैं और दो ही पिन पीछे दिया हुआ है। अब आइए इसके बैक साइड के सारा पिन वगैरह या इसके फंक्शंस को देखते हैं। ये ओल्ड एम्पलीफायर है तो कुछ पिन वगैरह इसमें डैमेज है, तो इनको इग्नोर करते हुए समझने का ध्यान दें। ये दो हीट सिंक पीछे लगा रखा है, इस पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है। ये बेस पे पोल दिए हुए हैं काफ़ी मजबूत, इसने आप पोल बोल दीजिए या पाया बोल दीजिए, तो ये एम्पलीफायर टच होता है इन पे, खड़ा करते हैं तो इसे डैमेज नहीं होता, पिन वगैरह डैमेज नहीं होती, इसलिए दोनों तरफ ये दे रखे है, लेफ्ट राइट में भी दे रखा है और इधर भी दे रखा है। अब पिन पे आते हैं अपन, तो ये एम्पलीफायर से लाइन आउट के लिए दो पिन दे रखे हैं, उसके बाद में प्री एम्पलीफायर आउटपुट, दूसरा एम्पलीफायर कनेक्ट करने के लिए 4 पिन हो गए। ये 4 पिन हो गया इसमें लाइन इन के लिए और दो एक्जुलरी जो अभी मैंने सामने स्विच बताए उनके लिए। तो AUX में जब भी अपन पिन लगा के करेंगे तो एम्पलीफायर का ट्रेबल बेस का टोन काम करते हैं, और लाइन इन में इनपुट देके अपन एम्पलीफायर प्ले करेंगे तो फिक्स वॉल्यूम पे, फिक्स ट्रेबल बेस पे एम्पलीफायर काम करेगा। ये स्टीरियो के लिए लेफ्ट राइट पिन, ये भी इनपुट है। ये है आहूजा का ब्रांडिंग दे रखा है और ओरिजिनल का ये जो एल्यूमिनियम का इस पर मार्किंग आता है, आहूजा रेडियोज मेड इन इंडिया, ये एम्बोस होता है, ओरिजिनल एम्पलीफायर पर आता है। ऐसे इधर आप देख पा रहे होंगे ये कॉमन 1700 वोल्ट की सप्लाई आ गई और ये कॉमन 4-8 ओम आ गया, तो ये चैनल ए का और ये चैनल बी का, ऐसे दोनों का होता है। इधर कॉमन और 100 ओम पे ड्राइवर यूनिट जो होता है LMT वाला, उसको यूज किया जाता है, और जो सादा यूनिट होता है उसको कॉमन और 8 ओम पे यूज किया जाता है। स्पीकर भी इसी पे चलेंगे, HF भी इसी पे चलेगा, और केवल LMT ड्राइवर यूनिट होता है या LMT स्पीकर हो गया वो इस पे यूज होता है। ये 36 वोल्ट बैटरी से भी ऑपरेट हो सकता है,
36 वोल्ट के लिए इसमें तीन बैटरी, 12 12 वोल्ट की तीन बैटरी यूज करनी पड़ेगी। ये इसका पावर केबल हो गया, यहाँ फ्यूज आता है, लेकिन इसने फ्यूज डैमेज किया हुआ है एम्पलीफायर पे, ओल्ड एम्पलीफायर है, इसमें फ्यूज आता है यहाँ पे,